सुई जुई तो यहाँ नहीं है, शायद अपने कमरे में होगी, वहां देख कर आती हूँ। देखो मैं क्या क्या ऑर्डर कर रहा हूँ, देखो। ये तुम्हारे पापा का आया कार्ड है पिंकू? नहीं, ये तो मेरा है, बड़े पापा ने मुझे गिफ्ट किया था, इसमें कभी भी गेम खेल सकता हूँ। देखो मैंने अपने लिए बहुत कुछ ऑर्डर किया है, टेनिस वाली बॉल ऑर्डर की है, देखो न्यू क्रिकेट सेट और ये रिमोट कंट्रोल वाली कार। पिंकू तुम्हारे पास तो ये सब है, फिर तुम्हें नया क्यों चाहिए? मेरा मन, मेरे पास पैसे तो मैं कुछ भी मांगा सकता हूँ, तुम्हारी मम्मी की तरह ना गुल्लक में सिर्फ कॉइन्स होते हैं, बाकी पैसे तो वो ले लेती है। मम्मी ने हमसे पैसे क्यों लिए? अगर हमारे पास भी पैसे होते तो हम टॉयज, डॉल, किचन सेट, टेडी बेयर लेते ना, और पेंटिंग के लिए कलर्स भी ऑर्डर करते ना। कैसा लगा आपको आपका गिफ्ट? बहुत सुंदर। ये क्या है? बच्चों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट। छोटा सा? निहार जी, छोटा सा नहीं है निहार जी, क्यों इतने महंगे गिफ्ट लेके आ गए आप? अब देखिएगा कैसे दो दिन में इस गिफ्ट से बोर हो जाएंगे ये बच्चे और कोने में पड़ा रहेगा, इसलिए मैं इन्हें महंगे गिफ्ट नहीं दिलाती हूँ। रुचिता देखो इस गिफ्ट को, देखो कितनी खुश लग रही है तुम। अरे इनके चेहरे पर स्माइल के लिए तो मैं ऐसे 1000 गिफ्ट ला दूं। और तुम मुझे नहीं रोकोगी? मम्मी प्लीज ये मत लेना हमसे। हाँ मम्मी प्लीज। आपकी मम्मी इतनी भी गंदी नहीं है, ये देखो आप दोनों का फेवरेट नाश्ता बना के लाई हूँ। यम्मी नाश्ता ये। लेकिन पहले हम यूनिकॉर्न से खेलेंगे। ठीक है, पहले मैं खेलूंगी, पहले मैं खेलूंगी, मैं बड़ी हूँ ना, मैं खेलूंगी। गलती हो गई, बच्चों के लिए दो गिफ्ट लाने चाहिए थे। अब क्या करें? मैं खेलूंगी, मैं। आइडिया, रूही आप जूही को खेलने दो, आपको घोड़े की सवारी करनी है। घोड़े की सवारी? हाँ घोड़े की सवारी। अच्छा पहले बताओ कौन करेगा? मैं। अच्छा ठीक है, नो लड़ाई, दोनों को मौका मिलेगा घोड़े की सवारी की, लेकिन यूनिकॉर्न के लिए नो लड़ाई। ठीक है जूही तू खेल ले, मैं घोड़े की सवारी कर लेती। नहीं तू खेल ले, मैं घोड़े की सवारी खेल ले। नहीं तू खेल। अच्छा ठीक है रुको, पहले रूही करेगी। ठीक है आ जाओ। कितनी खुश है बच्चियां मेरे निहार के साथ। बस मुझे इस परिवार में से रुचिता को आउट करना है। रुचिता, बच्चे सो रहे हैं? वो ना वो मैं पूछने आई थी, तुम्हारे पास कोई बैग है क्या? असल में घर के किसी नौकर को चाहिए, हमारे पास जितने भी बैग्स हैं सब बहुत महंगे हैं, मुझे लगा तुम्हारे पास शायद कोई सस्ता सा बैग होगा, तो हो तो दे दो ना। हाँ एक सेकेंड, ये लीजिए। थैंक यू। इसमें तुम्हारा कुछ सामान है क्या? नहीं ये तो खाली बैग था। नहीं भारी भारी लग रहा है देखो। क्या रखा है इसमें? बदबू आ रही है इसमें से। माँ इसमें तो सड़े हुए फल है। हे भगवान से बंद करो बंद करो, क्या करती हो तुम रुचिता? इसमें तो कीड़े भी लग गए। जल्द से जाओ, जाकर से बाहर चला दो, वरना ये कीड़े पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेंगे। जाओ। ठीक।
क्या हुआ मामा, आपने मुझे इस वक्त यहाँ क्यों बुलाया? वो बेटा, ये रुचिता क्या चला रही है? पता नहीं क्या चला रही है बेटा। चलो आप बताओ। मैंने इसलिए बुलाया तुम्हें कि मैं पूछना चाह रही थी, अच्छा बच्चों को यूनिकॉर्न पसंद आया कि नहीं? हाँ मां, बहुत अच्छे लगे उन्हें। थैंक यू सो मच मां, इतना बढ़िया आइडिया देने के लिए। बेटा मैं तो बस यही चाहती हूँ कि बच्चों के साथ तुम्हारा प्यार दिन ब दिन बढ़ता जाए और जल्दी से जल्दी ये बच्चियां तुम्हें पापा कहकर बुलाए। लेके आई थी इससे पहले रोई जुई जाग जाए, मैं पानी पिला देती हूँ इन्हें। रुचिता जी, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो पानी भरने जा रही थी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। ये माँ जी ने मुझे यहाँ छुपने के लिए क्यों कहा है? और इसे चुराने के लिए क्यों कहा है? आवाज उस तो स्टोर रूम से आ रही थी, एक बार जाकर देख लेती हूँ। ये तो यहीं आ रही है, अब क्या करूं? शायद कोई चूहा होगा। मॉम, हाँ? क्या हुआ, आप परेशान लग रही हो? बेटा वो मेरा सोने का झुमका ना कल शाम को यहीं कहीं गिर गया था, मिल ही नहीं रहा, वही ढूंढ रही थी। यहाँ कहाँ मिलेगा, आपके रूम में होगा, वहाँ जाकर देखिए ना। नहीं बेटा, यहीं कहीं गिरा था, यहीं तो होना चाहिए ना ये। यहाँ नहीं होगा मॉम। आप नौकरों ने तो झाड़ू लगा दिया, कहीं उन्होंने कचरे में तो नहीं डाल दिया मेरा सोने का झुमका? नौकर ऐसा क्यों करेंगे, किसी को सोने का झुमका मिला होता तो आपको दे देता ना लाकर।
हाँ बेटा कहते तो सही रहा है, लेकिन किसी का कोई भरोसा ढूंढना है तो वो नौकरी गलती से कहीं कच। ये सुन, कूड़े वाले का समय हो गया है, वो कहीं कूड़ा लेकर के चला ना गया और उसी में मेरा जुम। बेटा जाकर के एक बार देख लेना। ठीक है मैं देखता हूँ। अब आएगा मजा। भैया एक सेकंड, इस पर चेक करना है यार, कोई सोने का झुमका तो नहीं पड़ा। हाँ सर देखता हूँ। एक सेकंड, क्यों इतने महंगे गिफ्ट लेके आ गए आप? अब देखिएगा कैसे दो दिन में इस गिफ्ट से बोर हो जाएंगे बच्चे और कोने में पड़ा रहेगा, इसलिए मैं इन्हें महंगे गिफ्ट नहीं दिलाती। यहाँ मैं कह रही थी कि वो झुमका मिल गया मेरे कमरे में ही था। ये वही गिफ्ट है ना जो बच्चों के लिए लेकर आया था? ये तो जला हुआ भी है आधा। रुचिता क्या जला रही है? अरे पूरा मत जलाना, हल्का ही जलाना ताकि निहार को दिख जाए। निकालो बाहर। अम्मी हमारा यूनिकॉर्न नहीं मिल रहा है, आपने कहीं देखा क्या? यही कहीं होगा बेटा, ढूंढ लो। बच्चों के सामने तो झूठ मत बोलो रुचिता। ये रहा आपका यूनिकॉर्न जिसे आपकी मम्मी ने जला दिया। अगर तुम्हें बच्चों को पैसे देने से प्रॉब्लम थी वो मैं समझता, लेकिन मेरा गिफ्ट जलाने की क्या जरूरत थी? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम रुचिता? आप जानते हो ना आपकी मम्मी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन निहार अंकल झूठ क्यों बोलेंगे? हाँ आप बहुत गंदी हो, गट्टी गट्टी गट्टी। निहार जी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं चलाया। रुचिता प्लीज, आंखों देखी बात को मत झुठलाओ। अरे कल रात मैंने खुद तुम्हें देखा था, तुम कुछ जला रही थी गार्डन में, और आज ये सुबह यूनिकॉर्न जला हुआ मिला, कैसे? नहीं निहार जी, वो मैं बैग जला रही थी, बैग खराब हो गया था वही। माँ हाँ, आप तो जानती है ना मैं बैग चला रही थी, बताइए ना निहार जी को, आपने तो देखा था। और मौका देखकर तुमने उस बैग के साथ साथ ये यूनिकॉर्न भी जला दिया। रात को पानी पीने के बहाने यही करने गई थी तुम। मां मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्यों? क्योंकि तुम हमसे जलती हो। खुद तो बच्चों के लिए कुछ कर नहीं सकती, अगर हम में से कोई कर दे तो तुम्हें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि तुम डर रही हो रुचिता कि कहीं तुम्हारी बच्चियां तुमसे ज्यादा हमसे प्यार न करने लगे। माँ बहुत गलत समझ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं है रुचिता तो हमारी दी हुई हर चीज से तुम्हें दिक्कत क्यों है?
पहले कमरा, बाद में कपड़े और अब ये खिलौना। हम कोई भी चीज बच्चियों को दे तो तुम्हें तुम्हें खुशी क्यों नहीं होती? पापा जी मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि बच्चियाँ छोटी है, अभी अभी अगर उसकी जिद पूरी करने लगेंगे तो वो बिगड़ न जाए पापा जी। और निहार जी, जब आपने बच्चों को खिलौने दिए थे तब तो मैंने कुछ नहीं कहा था ना, तो मैं यूनिकॉर्न क्यों जलाऊंगी? कल रात में बच्चियां खुद उसे चिपक कर सो रही थी, मुझे नहीं पता कैसे चल गया निहार जी, मैं नहीं जानती हूँ। आपकी मम्मी ने चला दिया। बच्चों ये लो पिंकू के खिलौने, इसे खेल लो। मुझे अपने ही खिलौने से खेलना है। बेटा आपकी मम्मी ने तो आपके टॉयज जला दिए, अब मैं क्या करूं? मम्मी ने हमारे खिलौने क्यों जलाए? शायद इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहती होंगी कि आपके पास भी पिंकू जैसे खिलौने हों। पर मम्मी ऐसे क्यों जाएगी? अब क्या पता बेटा, पर आप लोग चिंता मत करो। हाँ आपकी दिशा आंटी है ना, सब ठीक कर देंगे। निहार जी क्या कर रहे हो? हमारे दिए हुए खिलौनों से प्रॉब्लम है ना? तो जला दो ये सब। नहीं जलाऊंगी, मैं जलाता हूं। निहार जी क्या कर रहे हो? तुम्हें हमारे दिए हुए खिलौनों से प्रॉब्लम है ना? मेरे खिलौने देने से, मॉम के खिलौने देने से, पापा के खिलौने देने से, तो जला दो ये सब। तुम्हारे सिवा इस घर में कोई है नहीं जो ऐसी हरकत करे, और ये खुद तो जलेंगे नहीं, तो तुम्हें ही जलाना होगा ना। ये लो जलाओ। निहार जी मैं नहीं जलाऊंगी, मैं चलाता हूं। आप कुछ सोचिए निहार जी, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ? क्यों नहीं करोगी? बिल्कुल कर सकती हूँ। तुम्हारे ये सब करने की वजह तो मुझे अब समझ में आ रहा है। तुम बस दिखावा भर करती हो कि तुम बच्चियों को अपने दादा दादी से, पापा से मिलवाना चाहती हो, एक करना चाहती हो। असल में तुम्हें ये सब कुछ बहुत खटक रहा है, तभी तो आज तक बच्चियों को हमारे बारे में, इस सच्चाई के बारे में बताया ही नहीं। बच्चियों को ये नहीं बताया कि मैं उनकी दादी हूँ, ये उनके दादा है। मुझे तो बच्चों को कल कहना पड़ा कि वो मुझे दादी कहकर बुलाए। यही सब कह कहकर तुम्हें आज तक बच्चों के दिल में हमारे लिए जगह बननी ही नहीं थी। मौका मिलते ही तुम उन बच्चों को हमसे दूर लेकर चली जाओगी। नहीं मां, ऐसा बिल्कुल नहीं। रुचिता ऐसा सोचना भी मत, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। ये देखो हमारी फैमिली फोटो, सब है इसमें, यहाँ तक कि पिंको भी है, लेकिन हमारी दोनों पोतियां नहीं है इसमें। क्यों? मैं खुद उन्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन सही टाइम नहीं आया उनको उन्हें बताने का। बस करो रुचिता, बहाने बनाना बंद करो। यही सब कह कहकर तुमने आज तक बच्चों के दिल में हमारे लिए जगह बननी ही नहीं थी। मौका मिलते ही तुम उन बच्चियों को हमसे दूर लेकर चली जाओगी। यही चाहती हो तुम, यही करोगी तुम? नहीं माँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रुचिता ऐसा सोचना भी मत, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। बस बहुत बोल लिया तुम सबने। अरे हम सब जानते हैं कि रुचिता ऐसी नहीं है, वो बच्चों को हमसे कभी दूर नहीं करेगी।
रुचिता बेटा, तुमने खिलौना क्यों जलाया ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि बच्चियों को अपने मन की करने से मत रोको, वरना वो तुमसे ही दूर हो जाएंगे बेटा। मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे मेरी रूही चूही मुझसे दूर हो जाए। मैं उनके बगैर नहीं जी सकती। मैं भी नहीं। जो हुआ सो हुआ, अब ये बातें छोड़ो तुम लोग। कल होली है और आज होलिका दहन है। ये सब ईर्ष्या जलन मन मुटाओ, ये सब होलिका की अग्नि में जला दो तुम लोग। आज घर में कोई उदास नहीं होना चाहिए। रुचिता बेटा, निहार, तुम दोनों बच्चियों के पास जाओ और उन्हें मनाने की कोशिश करो। आज हम सब साथ मिलकर होलिका की पूजा करें। जाओ बेटा। जो मुझे किसी देगा उसे ये कॉटन कैंडी और बलून्स मिलेंगे। तो सबसे पहले किसी की? पिंकू ने। पहले पिंकू, सेकेंड जूही और थर्ड रूही। पिंकू आपको कौन सा वाला चाहिए? मेरे को ब्लू वाला। ये आपका ब्लू। मुझे रेड चाहिए। चूही को रेड चाहिए। बच्चों ये देखो, आज के होली का दहन के लिए आप सब के लिए मैंने न्यू कपड़े बनवाए हैं। ये देखो, ये चूही का, ये पिंकू का मैचिंग। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। मम्मी आप इसको भी खराब कर दोगे क्या? रुचिता कहाँ चली गई? मैडम, अगर किसी को पता चल गया ना कि होली वाले दिन मैंने आपके लिए स्कूल खोला है। देखिए, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि उस दिन जूही को कॉल किसने किया था। ये रजिस्टर है, उस दिन जिस जिस का फोन आया था उनका नाम और नंबर भी। जल्दी देख लीजिए। रुचिता कहाँ चली गई? मैडम, अगर किसी को पता चल गया ना कि होली वाले दिन मैंने आपके लिए स्कूल खोला है। देखिए, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि उस दिन जूही को कॉल किसने किया था। ये रजिस्टर है, उस दिन जिस जिस का फोन आया था उनका नाम और नंबर भी। जल्दी देख लीजिए।